नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। भागलपुर से सांसद रहे बुलो मंडल ने राजद के साथ कांग्रेस को भी बड़ा झटका दिया है। राजद नेता बुलो मंडल ने गुरुवार 19 अप्रैल को जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही भागलपुर की सियासत में बड़ा बदलाव आया है। बुलो मंडल के जदयू में आ जाने से महागठबंधन को वोटिंग के ठीक पहले ये बड़ा झटका लगा। राजद को अपने एक पूर्व सांसद के खोने का झटका लगा, तो कांग्रेस की परेशानी ये है कि इस बार भागलपुर सीट उसी के पास है। 2014 में राजद के टिकट पर जीते शैलेश कुमार मंडल उर्फ बुलो मंडल ने भागलपुर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। प्रचंड मोदी लहर में वाजपेयी कैबिनेट के मंत्री रहे कद्दावर नेता शहनवाज हुसैन को बुलो मंडल ने हरा दिया था। राजद ने 2024 में भी टिकट दिया था, लेकिन वे हार गए। इस बार 2024 में राजद ने भागलपुर सीट कांग्रेस को दे दी। इस कारण बुलो मंडल का पत्ता कट गया, लेकिन बुलो मंडल इससे खुश नहीं है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास बताता है कि कांग्रेस के पांव यहां से उखड़ चुके हैं। इस सीट से 1984 में आखिरी बार कांग्रेस के टिकट पर भागवत झा आजाद जीते थे। इसके बाद कांग्रेस या तो यहाँ लड़ती नहीं या फिर जीतती नहीं। इस बार राजद ने ये सीट कांग्रेस को तो दी है, लेकिन कांग्रेस ने अजीत शर्मा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, जो विधायक हैं। बुलो मंडल के महागठबंधन छोड़ने का झटका सिर्फ राजद को ही नहीं, कांग्रेस को भी लगा है, क्योंकि बुलो मंडल ही पिछले 20 सालों में अकेले ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने महागठबंधन के किसी दल की ओर से एक बार जीत भी ली है। नहीं तो ये सीट भाजपा और जदयू के पास ही रही है। बुलो मंडल को 2024 में टिकट तो मिला नहीं है, लिहाजा उनके पास निजी जीत हार से बड़ा एजेंडा महागठबंधन की हार सुनिश्चित कराने का है। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें। इसके साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।